नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए योद्धा बैच शुरू किया है, जिसके तहत आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नाउन के चैप्टर को पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पीछे जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा सहित हम इसके भेद के बारे में जानेंगे और उदाहरणों के साथ हम समझेंगे कि सर्वनाम क्या रहते हैं और एग्जाम के पर्पज से भी समझेंगे कि एग्जाम में किस लेवल के तहत ये वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्वनाम से टॉपिक। चलते हैं हम अपने अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी परिभाषा, यानी कि संज्ञा या फिर आपका जो सर्वनाम है क्या कहलाया जाता है। तो यानी कि लिखा है मैंने, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या फिर इस प्रकार से बोला जाए, जो संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रहती है उनको रोकने के लिए या उनको बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिनका यूज करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से हम बार बार, अगर बच्चों अगर मैं आपसे कोई शब्द वाक्य बोलता हूँ कि राम स्कूल जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम है ना बहुत अच्छा है, अगर मैं बार बार राम का नाम लिखूंगा किसी वाक्य में तो वो वाक्य क्या हो जाते हैं बच्चों, थोड़े से बोरिंग टाइप से लगते हैं या फिर उनको मजा नहीं आता, ना ही सुनने वाले को मजा आएगा ना ही बोलने वाले को, क्योंकि ये संज्ञा को आप बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि राम राम बार बार उसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं और उन्हीं के नाम को हम बार बार क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, यानी कि पुनरावृत्ति कर रहे हैं उसकी। तो इसकी जगह पे हम यूज कर सकते थे वह, यानी कि सबसे पहले हम संज्ञा से इंडिकेट कर देंगे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, फिर हम बाद में अगर मैं मुझे बोलना है कि राम गाना भी गाता है तो मैं बोलूंगा कि वह बहुत अच्छा गाना भी गाता है, या फिर मैं बोलूंगा कि वह स्कूल जाता है। तो उस बाद वाले में के लिए हम क्या करेंगे, राम के लिए हम प्रयोग कर देते हैं वह। तो वह आपका क्या है बच्चों, सर्वनाम होता है। अगर एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए कि यहाँ पे एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम रहेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, सर्वनाम होता है कि यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितनी संख्या है, तो इनकी संख्या 11 होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बोला गया है, संख्या याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे संख्या बोली है ना कि भेद बोले हैं। जब भेद आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, बट यहाँ पे अभी आपने ये ध्यान में रखना है कि संख्या पूछी जाए तो कितनी संख्या रहती है, इनकी 11 संख्या होती है। तो कौन कौन से होते हैं वो, सबसे पहले आता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगर इन सभी को देखा जाए तो हमारे पास इस प्रकार से मिलाकर कितनी संख्या आती है, 11 आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आया है कि सर्वनाम होते क्या है, यानी कि इनकी परिभाषा हमें समझ में आई कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या फिर जो संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है बच्चों, उसको रोकने के लिए हम जिनका प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है, वो आपके समक्ष लिखे गए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने पीछे बोला कि इनकी पुनरावृत्ति होती है, तो देखिए किस प्रकार से पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य दे रखे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये आपके समक्ष एक वाक्य है। अब दूसरा वाक्य देखिए कि पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। अगला है आपके पास पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। इसके अगला है पेड़ पौधे भूष क्षरण को रोकते हैं, यानी कि जो आपका अपरदन होता है उसे रोकते हैं। अगला है पेड़ पौधों से हमें फल फूल दवाएं इमारती लकड़ियां आदि मिलते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी वाक्य लिखे गए हैं उन सभी में पेड़ पौधे ये बार बार आपके क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं,
और ये वाले पेड़ पौधे आपकी क्या होते हैं, पेड़ आपका क्या है, संज्ञा है। पेड़ पौधे आपकी क्या जाते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नीचे दिए गए जो वाक्य हैं इन पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नीचे दे रखे हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, सेम ऊपर वाला आपका वाक्य आया है। अब साथ में दे रखा है कि वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे प्रयोग किया गया है वे, तो ये वे किसके लिए प्रयोग किया गया है, पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि फिर से हमें इसी के बारे में बताना है। तो इसका प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग में ला रहे हैं, इसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग में ला रहे हैं, यानी किसके स्थान पर हमने वे सर्वनाम का यूज किया है। इसके अगला है वे विभिन्न जीवों को आश्रय देते हैं, यानी कि वे पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय देते हैं, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधों की जगह पे हमने किसका यूज किया, वे, यानी कि सर्वनाम का यूज किया। वे भूख क्षरण को रोकते हैं, साथ में भूख क्षरण को भी रोकते हैं, यानी कि अपरदन को भी रोकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका सर्वनाम आया है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो रिपीटेशन होती है उसको रोकने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। अब देखिए ऊपर वाले वाक्यों में थोड़ा सा पढ़ने के लिए लंबा वाक्य हो जाते हैं, जबकि यहाँ से सर्वनाम का यूज करके हम उनको एक इफेक्टिव तरीके से यानी कि सौंदर्यपूर्ण बना सकते हैं। अब देखिए मैंने अभी पूछा बताया कि आपको इनके सर्वनामों की संख्या कितनी होती थी। संख्या अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो संख्या होती है 11, किंतु अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पे हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पे आप पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम पढ़ेंगे तो इसकी भी 3 कैटेगरीज आगे निकल के आती है। तो नंबर 1 पे आता है हमारे पास उत्तम पुरुष, और इसी में हम मध्यम पुरुष भी देखते हैं, और इसी में हम अन्य पुरुष को भी देखते हैं। तो ये 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगर पूछे जाएंगे आगे भी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो वो भी कितने रहेंगे, आपके 3 भेद रहते हैं आगे। कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, तथा अन्य पुरुष है। नंबर 2 पे आता है निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पे हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 पे हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर पे हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये आपने याद रखना है। और संख्या कितनी होती है, इनकी 11 होती है। आगे हम इनको 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद रहते हैं, 3 भेद रहते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और नंबर 3 पे आता है हमारे पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम में देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष होते क्या है, यानी कि उत्तम पुरुष ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग हम वक्ता के लिए करते हैं। किसके लिए, वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है उनके लिए करते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति जो हो रहता है वो किसके लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। जैसे अगर मैं खुद के लिए अगर कोई शब्द यूज करूंगा तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, या तो मैं यूज करूंगा, अगर मेरे साथ और भी साथी हैं तो हम यूज करेंगे हम का। तो 2 होते हैं उत्तम पुरुष, यानी कि जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो अपने लिए किसका यूज करता है, यानी कि स्वयं के लिए किसका यूज करता है, मैं और हम का। तो ये ध्यान में रखिएगा कौन से आपके सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में 2 होते हैं, और वो कौन से, आपके मैं और हम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं आपका कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ये आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा, आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इन ये जो सर्वनाम रहते हैं इनका प्रयोग जो वक्ता होता है उसकी जो बातें होती हैं उनको सुनने के लिए किया जाता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं तू, तुम तथा आप मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तू है, तुम है और आप, ये वाले आपके क्या कहलाए जाते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाए जाते हैं।
इसके बाद हमारे पास आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे सर्वनाम होते हैं जो वक्ता एवं बात सुनने वाले यानी कि दोनों हो, यानी कि उत्तम पुरुष एवं मध्य पुरुष, ये जो दोनों व्यक्ति हैं किसी तीसरे या फिर वस्तु, तीसरे व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए यूज करते हैं। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या यूज करते हैं, यह तथा वह, यानी कि किसी तीसरे पर्सन के लिए। आप यहाँ पे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दो पर्सन है, इनमें से एक वक्ता होगा जो क्या बता रहा होगा, अपने बारे में बता रहा होगा मैं या हम का प्रयोग करके, और जो सुनने वाला है उसको किस प्रकार से बता रहा होगा, तू या फिर तुम करके, कि तुमने ये काम नहीं किया या तू वहां चले जाए, या फिर किस प्रकार से हम या फिर आप करके वहां पे संबोधित कर रहे होंगे। किंतु अगर यहाँ पे किसी अन्य तीसरी, ये दोनों व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते टाइम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात कर दें कि वह जो इंसान जा रहा है उसके बारे में, या फिर कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे आ जाए तो उसके बारे में, या फिर किसी वस्तु के बारे में, यह वस्तु बहुत अच्छी है, किसी तीसरी वस्तु के बारे में अगर ये वाले बात करना स्टार्ट कर देंगे तो उसे कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे या फिर वस्तु के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण किस प्रकार से रहते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हमारे पास है कि मैं आज किताब पढ़ रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तम पुरुष का उदाहरण है वो क्या है, आपको एग्जाम में किस प्रकार से आएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे ये आपको दे रखा होगा कि मैं आज किताब पढ़ रहा हूं, वाक्य में मैं क्या है, वाक्य में पूछा जाएगा कि मैं क्या है, तो आपको बताना होगा कि मैं यानी कि खुद के लिए यूज हुआ है, यानी कि वक्ता के लिए यूज हुआ है, वक्ता बोलने वाले के लिए यूज हुआ है कि मैं आज किताब पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे ये क्या है आपका उत्तम पुरुष है। मुझे यहाँ आने में थोड़ी समय लगा या फिर थोड़ा समय लगा। अब देखिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे आपका उत्तम पुरुष है। अब देखो मैं से आपके क्या क्या बनते हैं, मैं से अगर आपने कार की, मैं आपको इसके बाद कार की करवाऊंगा, कार्य में सबसे पहले आता है कर्ता ने, तो मैं ने आपका यहाँ पे जोड़ देंगे। जितने भी कार्य होते हैं उन सभी से हम क्या करते हैं, इन जो रहते हैं इनसे हम अन्य सर्वनामों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं से कर्ता कारक में ने चिन्ह लिया जाता है तो मैं से क्या बन गया, मैंने, या फिर मुझे, इस प्रकार से आपका कर्ता ने। कर्म को से क्या बन जाएगा, मुझको, ये वाले आपके इस प्रकार से कर्ता से बनाए जाते हैं, कारकों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगला देखिए तीसरा, हमने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम आज पार्टी में नहीं जाएंगे, तो हमने, तो यानी कि ग्रुप ऑफ एक खुद के लिए बोलने के लिए वक्ता ने यूज किया है, तो उत्तम पुरुष का यूज हुआ। फोर्थ है आपका साथ देने में मुझे खुशी होगी। अब देखिए आपका साथ देने में किसे मुझे खुशी होगी, तो यहाँ पे मुझे उत्तम पुरुष है, आपका नहीं, ये आपका तो कहाँ चला जाएगा, मध्यम पुरुष में चला जाएगा। अगला है हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, हम, तो बच्चे यहाँ पे हम आपका क्या है, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष के जो उदाहरण है वो इस प्रकार से कि तू कैसा है, इस प्रकार से हम कोई वाक्य बोलते हैं तो यहाँ पे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तुम कल क्या करने वाले हो, यहाँ पर भी तुम आपका क्या है, मध्यम पुरुष है। तू यह कैसे किया, तुझे यह कैसे पसंद आया, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है या मधुर है, ये आपका क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास अन्य पुरुष के जो सर्वनाम के उदाहरण है वो इस प्रकार से, किसी तीसरे इसके बारे में बताया जाएगा, यह किताब पुस्तकालय में रखी थी, तो यह किताब कहाँ रखी थी, पुस्तकालय में रखी थी, तो यहाँ से यह क्या है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है वह गाड़ी बहुत तेज चलती है, वह गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो उस गाड़ी के बारे में बताया गया, तो वह भी क्या है, अन्य पुरुष है। यह मौसम बहुत गर्म हो गया है, यहां से यह क्या है आपका अन्य पुरुष में आएगा। वह डॉक्टर बनना चाहता है, किसी अन्य के बारे में बताया जा रहा है वह। यह बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी हमें इंडिकेट होता है कि ये आपका क्या है, यह बच्चे किताब पढ़ रहे, किसी दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि अन्य पुरुष यहाँ पे यह रहेगा आपका।
तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वेद हैं? तो तीन वेद होते हैं। पहला है आपके पास उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो। इसी के साथ बच्चों आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट और साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको इसके दूसरे वेद के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।